रियल मायने में अपने मंच पे अपना सम्मान करवाना बड़ी बात नहीं है, और दूसरा मंच अगर कोई हो, सामाजिक मंच हो, और वो सेवाभावी कार्यकर्ताओं का सम्मान करे, तो मेरे ख्याल से बड़ी बात होती है। पर एक परंपरा हमें प्रारंभ करनी थी, और हमें मौका मिला, जैन जनवाणी को मौका मिला कोलकाता की तरफ से सेवा कार्य करते हुए इस मस्तकाभिषेक को बहुत ही बहुत सफल बनाया है। तो जैन जनवाणी ने निर्णय किया कि ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी मुकाम पर हों, किसी भी क्षेत्र में, मस्तकाभिषेक 2018 में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, उन सब का हम सम्मान करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपकी सेवाओं को, जो आपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर मस्तकाभिषेक में दी है, उसे हम एक फील्ड दे रहे हैं, एक स्टेज दे रहे हैं, एक मंच दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं दे रहे हैं। यही हमारी तरफ से आपका सम्मान है। फिर कैलाश चंद्र पांड्या, जो कभी मंच पर नहीं आते, इन्हें बुलाने के लिए भी बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो यह सम्मान कलकत्ता का सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं। दिनेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वहाँ काम किया, उस कार्य का आपने सम्मान करने का ये बीड़ा उठाया, ये बहुत बड़ा अनूठा कार्य है। हम उसके लिए आपका जोरदार स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैन जनवाणी के बैनर पे डॉक्टर साहब आए हैं, जैन जनवाणी के बैनर पे आप आए हो, तो आप मेरे हो गए, अतिथि नहीं हो, आप मेरे हो, इसलिए आप इनका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां चाहता हूं, जोरदार तालियां। मैं आपको कुछ छोटी छोटी हैबिट्स देखता, जिसमें कई चीज आप जानते होंगे, कुछ हो सकता है मामूली सी नहीं हो, क्योंकि मुझे लगता है छोटी छोटी सक्सेस हैबिट्स से जीवन बदलता है। बात समझो, दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल भी बिना टावर के काम नहीं करेगा, तो जब तक आपका टावर चालू नहीं होगा, मैं किसी काम का नहीं, और टावर बराबर रहेगा तो 2000 का चाइना भी पूरी बात करा देगा।